यह कहानी है एक गांव के पास के जंगल में बसे एक पुराने हवेली की है, जिसमें बसी एक जादुई चुड़ैल के बारे में है। गांव वाले उस हवेली के बारे में कई किस्से सुनते थे, लेकिन कोई भी इसकी सच्चाई को नहीं जान पाया था। कहानी की शुरुआत एक सुनसान रात से हुई। चंदनी रात की चांदनी में जंगल की गहराइयों में छुपी हवेली की खिड़कियों से नीचे आ रही थी एक भयंकर आवाज। उस हवेली के चारों ओर बसा हुआ गूंज रही थी। हवेली में एक अंधेरा कायम था। इसी बीच गांव में रहने वाली एक बुढ़िया नामक महिला सबको सुनाई जा रही थी। वह कथा चुड़ैल के बारे में थी, जिसकी कहानी उस बुढ़िया ने अपनी पोती को सुना रही थी। बाबू, तुम लोग जादुई चुड़ैल के बारे में एक असली कहानी सुनोगे, जो कई सालों से लोगों ने यह बात कहा है और बताया है। हाँ दादी, मैं सुनूंगा, आप सुनाइए तो सही। यह सब कहानी सुनाने में हमें बहुत मजा आता है और ऐसे ऐसे कहानी पढ़ने में भी अच्छा लगता है। नहीं दादी माँ, नहीं, आप ऐसा कहानी मत सुनाइए, नहीं तो हम लोग डर जाएंगे और डर जाने के कारण रात में पेशाब करने के लिए भी बाथरूम में नहीं जाएंगे। बाबू, यह कहानी असली है। यह सब कहानी तुम लोगों को सुनना चाहिए, क्योंकि लोगों ने इस बारे में बहुत चर्चा की है। एक बार गांव में एक युवक नामक अर्जुन आया। अर्जुन बहुत ही साहसी और निर्भीक था। उसने सुना था कि जंगल में एक जादुई चुड़ैल रहती है, जो रात्रि में बाहर आती है और लोगों को परेशान करती है। अर्जुन ने इस कहानी में विश्वास नहीं किया और सोचा कि यह सब बेवकूफी है। पापा, यह कैसे हो सकता है, एक चुड़ैल आए और गांव वाले लोगों को परेशान करें? क्या आपने यह देखा है? नहीं बेटा, मैं तो नहीं देखा है, लेकिन गांव के लोग यह सारी चीज बताते हैं। नहीं पापा, यह नहीं हो सकता। आखिर वह चुड़ैल दूसरे लोगों को परेशान क्यों करेगी? आखिर हमारे गांव से उसे चुड़ैल का क्या नाता है? हम नहीं जानते बेटा, लेकिन यह बात सही है। अब तुम सो जाओ, नहीं तो उसे चुड़ैल के बारे में सोचने में भी डर लगता है। सोचने वह अर्जुन बेटा दूसरे घर में गया और सोचने लगा। आखिर यह कैसे हो सकता है, एक चुड़ैल दूसरे लोगों को परेशान करेगी? हमें इसके बारे में पता लगाना होगा। हम अपने दोस्त के पास फोन करते हैं और उसे जंगल में जाते हैं, ताकि हम उसके बारे में पता लगा सके। अर्जुन ने अपने कुछ साथियों को फोन किया और उनको चलने का, जंगल में जाने का निर्णय किया। वह रात दोनों सभी लोग अपने अपने घरों से निकालकर उसे जंगल की ओर चल पड़े। जब वह जंगल में पहुंचे, तो वह बहुत ही अजीब और भयानक दृश्य देखा। जंगल में अजीब अजीब गाने और भयानक पेड़ पौधों के बीच वह एक अजीब सी आवाज सुनता है। आवाज वही थी जो गांव वालों के किस्सों में सुनी जाती थी। अरे भाई, यह तो बहुत भयंकर आवाज सुनाई दे रही है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। नहीं दोस्त, हम लोगों को इसका पता लगाना होगा कि सुनाई गई कहानी सच है या झूठ। हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने तो कुछ किया ही नहीं है चुड़ैल के साथ। ठीक है भाई, चलो, लेकिन हम अपने माता पिता को पता कर नहीं आए हैं, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। जो होगा तुम देखना। ठीक है भाई, मैं देख लूंगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्जुन और उसके दोस्त ने आगे बढ़ते हुए देखा कि वह आवाज एक विशाल वृक्ष के पास से आ रही है। जब वह वृक्ष की ओर बढ़े, तो वह देखते हैं कि वह आवाज उस वृक्ष से ही निकल रही है। उन्होंने देखा कि वह आवाज एक सुंदर सी जादुई चुड़ैल से निकल रही थी, जिसने सजीव वृक्ष की तरह दिखते हुए उनका स्वागत किया। तुम गांव वाले यहाँ कैसे आए हो? यह जंगल मेरी जगह है और मैं यहाँ के रानी हूँ। अर्जुन और उसके दोस्त हैरत में थे। वह नहीं समझ पा रहे थे कि वह क्या कह रही है। मैं एक जादुई चुड़ैल हूँ और इस जंगल की रानी हूँ। मुझे तुम्हारे जादू की शक्ति की आवश्यकता है, ताकि मैं इस जंगल की सुरक्षा कर सकूं।
लकड़ी, मेरे पास एक मंत्र है जिससे तुम अपने जादू शक्ति को प्रयोग कर इस जंगल को सुरक्षित कर सकती हो, क्योंकि इस जंगल में बहुत सारे ऐसी कीमती लकड़ियां हैं जिससे लोग इसमें आ सकते हैं। ठीक है, तुम मुझे बताओ वह कौन सा मंत्र है। यह मंत्र गायत्री मंत्र है, ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्यः। मंत्र तुम जब जब गाओगी तब तक इस जंगल की सुरक्षा होगा, और इस गाने से तुम्हारी अंदर एक जादुई शक्ति का जादुई शक्ति बनेगा। यह सुनकर चुड़ैल उसे पेड़ के नीचे बैठ गई, और पेड़ के नीचे बैठ जाने पर वह गायत्री मंत्र का पाठ करने लगे। ओम भूर्भुव स्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र जैसे ही वह बोली, यह मंत्र चारों तरफ जंगल के एक सुरक्षा कवच लग गया, जिसके कारण अब उसे जंगल के अंदर कोई भी कीमती लकड़ियां नहीं कट सकेगा, और वहां के रहने वाले जानवरों को भी सुरक्षा मिलेगा। तुम तो एक बहुत अच्छा मंत्र दे दिए जो मैं अपने शक्तियों से इस जंगल का सुरक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि इस जंगल का सुरक्षा करना ही हमारा असली कर्तव्य है, और इसी कारण वश में जो लोग पशु को और पेड़ को काटने के लिए आते थे, मैं उन पर प्रहार करने के लिए गांव तक चला जाता था। अब हमें तुम्हारे गांव तक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। TBHI मैं भी सोच रहा था कि एक चुड़ैल आखिर हमारे गांव में क्यों आती है, और यही जानने के लिए आया था, लेकिन भगवान की कृपा से आज मैंने ऐसे लोगों की मदद की जो एक ब्रह्मांड की सुरक्षा चाहता है। तुम्हारे दिए गए मंत्र से मैं बहुत ही खुश हूँ, और मैं तुम्हें एक आशीर्वाद देता हूँ कि तुम जैसे ही अपने गांव जाओगे, वह गांव खुशहाल हो जाएगा, और सभी गरीबों के पास अपनी अपनी नए नए मकान होगा। जैसे ही वह सारे दोस्त अपने अपने गांव में गए, तो उन्होंने देखा कि सुबह हो गई है, और वह सुबह होने के बाद देखा कि सभी गरीबों के घर बड़े बड़े हो गए हैं, और सभी लोग खुशी से रह रहे हैं। इससे यह करने से उसे गांव की पूरा काया पलट हो जाती। यही कहानी है जो मैंने तुम लोगों को सुनाया, और यह कहानी सच्ची कहानी है, क्योंकि लोग इसके बारे में अपने अपने बच्चों को जरूर बताते हैं। यह सुनकर सारे बच्चे सो जाते हैं, क्योंकि रात बहुत हो गई थी, और दादी माँ ने इस कहानी को सुनते सुनते ऐसी दुनिया में लेकर चले गए थे कि जहाँ पर सिर्फ अद्भुत दुनिया दिखाई दे रही थी। इस कहानी से हमें यह सीखा मिलती है कि हमें कोई भी कार्य साहस और ईमानदारी से करना चाहिए।